इतना सीरियस हो के बोलूंगा, देखो गाइस भैया हेलमेट लगा के नहीं चल रहे हैं, मोबाइल को हाथ में पकड़े हुए हैं, एक हाथ से गाड़ी चला रहे हैं, बताओ कितना डेंजरस है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ये सब कौन देखेगा भाई। टेंशन जो भी हो सारी खत्म करो, लाइफ की खुद ना खत्म हो जाना। सोचो कि चलो नीचे जम कर दे, खुद ही खत्म हो जाए, तो ये सब हरकत मत करना। फांसी की डिमांड चल रही है सबकी। वेलकम दी बैक दी वेलकम गाइस, कैसे हो आप सब, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। चलो चलते हैं, देखते हैं देखने को क्या मिलता है। वीडियो के लाइक का एम 50 है, 50 लाइक करा देना, अगर 50 लाइक नहीं हो रखा है तो गाइस आप लाइक कर दो, क्या पता हो जाएगा। पूरे रास्ते की बैंड बजी पड़ी है, खोदने के बाद भूल जाते हैं कि कहीं गड्ढा करे थे, भरना भी है उसको। सड़क के किनारे बैठ के गंजा कर रहा है भाई, पूरा हट गया जितना सजा हुआ था। 15 अगस्त की सारी सजावट हटा दी गई। मैं तो सोचा था लगा रहेगा, जब धीरे धीरे खराब होगा तब हटाएंगे, लेकिन ठीक है, कम से कम एक हफ्ता तो लगा ही रहने देना चाहिए था। आज तो बड़ा जाम है। अच्छा आज रक्षाबंधन होगा, आज या कल में है। हाँ अभी तक ये पेड़ हटा ही नहीं है कट पीट करके, लगता है कहा तो और गिर गया होगा। एकदम पुराने तो पेड़ हो रखे हैं सारे, कम से कम 300 साल पुराने पेड़ हो रखे हैं सबके सब इधर, मतलब जितने बूढ़े पेड़ हैं। लोगों का भी एक अलग सीन रहता है, सड़क पर भी उनको पर्सनल स्पेस चाहिए रहता है भाई। पब्लिक प्लेस में तुम आए हो चलने के लिए, घर पे थोड़ी नहीं चल रहे हो, या मैं तुम्हारे घर पर जाके वीडियो थोड़ी नहीं बना रहा हूँ। पर्सनल स्पेस किसी का हार्म मत करो भैया, आप ऐसा कर रहे हो ये चीज गलत है। और वो जो बगैर हेलमेट के चल रहे हैं रॉन्ग चल रहे हैं, उन लोगों का वो सब गलत नहीं, टिपलिंग करके चल रहे हैं, चार चार होकर चल रहे हैं, वो चीज गलत नहीं है। हमने वीडियो बना के डाल दी तो वो चीज गलत है। मोटो ब्लॉगर हूँ अगर, चलो अपने सिटी का वीडियो बनाया करूंगा, और जब सिटी में देख रहा हूँ तो क्या दिख रहा है भैया जी, रॉन्ग आ रहे हैं, देख लो उधर से है ही जब रोड, तो आओ उधर से, चुल्लू भर पेट्रोल बचा के तुम कर क्या लोगे। ये लोग यहाँ क्या खड़ी है भाई इतनी ढेर सारी। अच्छा उन लोग के गले पे लगा हुआ था कोई सब बैच वोच भी, शायद नगर निगम से तो नहीं है, पता नहीं क्या है। किसी की हेल्प करो तो भी दिक्कत, किसी का वीडियो ऐसे बना दो जो विदाउट हेलमेट चल रहा है, विदाउट नंबर प्लेट चल रहा है, टिपलिंग करके चल रहा है, रूल मान ही नहीं रहा है, ऐसे लोगों के ऊपर वीडियो बना दो तो लो भाई वो लोग भी भड़क जा रहे हैं कि तुमने हमारा पर्सनल स्पेस खराब कर दिया। अब वो बात अलग है कि मैं थोड़ा कॉमेडियन में बोलता हूँ कि लोग फनी में लें उसको, ज्यादा सीरियस ना लें। मैं तो इतना सीरियस हो के बोलूंगा, देखो गाइस भैया हेलमेट लगा के नहीं चल रहे हैं, मोबाइल को हाथ में पकड़े हुए हैं, एक हाथ से गाड़ी चला रहे हैं, बताओ कितना डेंजरस है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ये सब कौन देखेगा भाई। अब उसी में छोटा मोटा डायलॉग मार दो कि भाई किस्त पर मोबाइल लिया था क्या, एक ब्लूटूथ या फिर एयरपोर्ट खरीद लेता भाई, तेरे को इतनी दिक्कत नहीं होती। अब ये सब एक फनी वे में चला जाता है, जो पब्लिक देख रही हो तो उसको हंसी आती है कि वाह क्या बोल दिया लड़के ने। अब इतना सीरियस हो के बोलोगे तो कौन देखेगा, कहेगा भाई ये तो और रोजाना शिकायत करे रहता है सबकी। अब वही फनी वे में रोजाना उसी चीज को बोलोगे तो लोग उसको फनी वे में लेंगे, और जिसका वीडियो बनेगा वो जब अपना वीडियो कभी देखेगा तो उसको खुद को शर्म आएगी, ऐसे ना चलूं। अब ये देखो तीन लोग बैठ के चल रहे हैं, सही है चीज चलना, अगर ये सही हो तो भाई बोल दो कि हाँ सही है, रूल आप नहीं मानते हो वो आपकी अलग अपनी मर्जी है, एक ना एक बहाना लगा देते हैं, तुमने मेरा फेस रिवील कर दिया, मतलब वो हरकत कर रही है, देख लो सामने दोनों लड़कियां जा रही हैं, दोनों हेलमेट नहीं लगाई हैं, चलो पीछे वाली नहीं लगाई है एक बार को चलता है, लेकिन आगे वाले को तो लगाना चाहिए ना हेलमेट, देख रहे हो मोबाइल लेना याद है, मेकअप करना याद है, सब कुछ याद है, बस हेलमेट लेना याद नहीं रहता। देखा उस अपाची वाले को कैसे गलत आया, जब तक सेफ्टी नहीं करोगे तब तक कैसे चलेगा। मैं समझ रहा था आंटी का रुमाल उनके फेस पर आके रुक गया है, दुपट्टा रुमाल कह रहा हूँ। आज धूप बहुत बढ़िया निकली है, सुबह क्या ही बारिश हो गई है, रात के 3 बजे से हो रही थी बारिश। इंस्टा पर एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई थोड़ा सा अपना फेस उठाकर वीडियो बनाया करो, अभी फेस उठाया के थोड़ा सा वीडियो, आज गाड़ी चला के आया हूं ना, थोड़ा सा हल्का सा उठा के चला रहा हूं, फेस गर्दन पीछे से एकदम दर्द करने लगी। बकरा किसका है भाई, मान लो बकरा था कि बकरी थी, कमेंट करके बताना गाइस। अरे 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 भाई सड़क पर मत निकालो, बोलो बस ही पूरी पूरी भैया उल्टी लेकर आ गए भाई, उल्टी बस क्यों लिया है, और इसको लाने के लिए छोड़ा किसने उधर, देखो उधर से बस ला सकता था लेकिन नहीं। कैसो के ऊपर वीडियो बनाए भाई, मोटो ब्लॉग मतलब करने का यही होता है कि सड़क पर जो दिख रहा हो उसको आपको दिखाना होता है पब्लिक को, ना कि इंसान खुद का ब्लॉग बनाने लगे। आज ऐसा लग रहा है कि दिन के वक्त निकला हूँ वीडियो बनाने।
वाह भैया बस वाले, तुम भी यही एक हाथ से गाड़ी चला रहे हो, एक हाथ से बात कर रहे हो। लड़कियां भी कहती हूँ जब बस वाले कर सकते हो तो हम लोग क्यों नहीं, खतरों की कबाड़ी है। मेरा तो चलो वीडियो है बन गया, अब पता चला मेरे चक्कर में वो देखो उसकी बैटरी खत्म हो गई है। रस्सी लगाने से अच्छा रहता पैर लगा दो, उसमें इंसान गिरेगा नहीं। रस्सी में होगा कि आगे वाले ने ज्यादा तेज कर दी, पीछे वाला नहीं हैंडल संभाल पा रहा है, तुरंत गिर गई गाड़ी, या पीछे वाला नहीं समझ पा रहा है, ले जाके आगे वाले में टक्कर मार दिया। Yeah. I never take doubt as a lesson. I never second guess it. Take negativity and reject it. I got my mind blind to rejection, so I'll be just fine. Don't be wasting any time with discretion. I run this campaign like I'm running an election. I pop this champagne like we're not in a recession. I feel no damn pain. Ibuprofen is a blessing. What? छोटे छोटे बच्चे देख रहे हो एकदम मजे से स्टाइल मारे हुए हैं। फिलहाल पानी देखो, वाह जैसे चॉकलेट वाला पानी हो। एक कप डालो आराम से निकाल के पी लो। वही बिल्कुल ज़बरदस्त, क्या चमक रहा है, वाह लग रहा है। कैमरे में तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। सूरज देखो सामने ओपी, अभी अभी ट्रेन निकली है, इधर ग्रीन ग्रीन है पूरा। आओ यहाँ आधा घंटा खड़े हो, टेंशन जो भी हो सारी खत्म करो, लाइफ की खुद ना खत्म हो जाए। सोचो कि चलो नीचे जम कर दे, खुद ही खत्म हो जाए, तो ये सब हरकत मत करना। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, और अगर आप सीख गए फिर आगे आपको परेशानी नहीं आएगी किसी भी चीज की। सूरज की किरणें कितनी अच्छी लग रही हैं, लाइन 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 पूरे में पड़ा हुआ है। कार्टून वगैरह में नहीं देखते हैं, सूरज जब चमकता है उसका रोशनी रहती है, एकदम वैसे ही दिख रहा है। बहुत जबरदस्त, बहुत ज्यादा चमक रहा है सूरज। वैसे हेलमेट के अंदर सन प्रोटेक्शन रहता लगा रहता है, ब्लैक कलर का चश्मे टाइप का, उसको लगा लो रोशनी एकदम गायब हो जाती है धूप की। वही लगा के मैं देख रहा हूँ इधर, नहीं तो मैं देख नहीं पाता। वैसे इन पानी से फायदा हम लोग को अच्छा लगता है, सरो सुकून है, लेकिन जहाँ जहाँ इन पानियों ने तबाही मचाई होगी उन लोगों की जिंदगी तो एकदम ही खराब है। देख लो नैनी ब्रिज, हवा एकदम ठंडी ठंडी चल रही है, ये नहीं कि गर्म हवा चल रही है, बहुत सुकून है। आओ आकर खड़े रहो एक दो घंटा तीन घंटा, जितने भी खड़े होना चाहो। थोड़ा ठंडा ठंडा फील हो रहा है भाई आज, हवा एकदम ठंडी ठंडी चल रही है, मजा आ रहा है। मन कर रहा है कि अभी और थोड़ी देर रुकूं, लेकिन ठीक है अब चलना पड़ेगा। ये क्या भाई भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है, उधर से क्यों नहीं आ रहे हैं, उधर हुआ क्या है भाई? ओ पेड़ गिर गया है, मैं सोच रहा हूँ इधर से आ क्यों रही है पब्लिक। ये सीन है, ये क्या हो रहा है भाई, कभी राइट कभी लेफ्ट, ऐसा क्यों, इधर ही सब बंद क्यों करा जा रहा है। सो गाइस सामने से देख सकते हो सब प्रोटेस्ट करने वाले आ रहे हैं, जो भी हुआ है उसके लिए सब आवाज उठा रहे हैं, सब साथ में चल रहे हैं, फांसी की डिमांड चल रही है सबकी। Yes. अरे कैसे बस जा रहा था अभी वहाँ पर शूट किया, लेकिन बैटरी खत्म हो गई थी, फिर दोबारा जल्दी से बैटरी चेंज करके पूरा घूम कर आया हूँ। फिर से मैंने कहा एक छोटा सा शूट कर जी। सारे के सारे प्रयागराज के लोग लगे हुए हैं अपने हर एक काम में, तो भाई जितना हो सकता है इतना तो मैं अपनी तरफ से करूंगा। भाई कहे गए कि जो भी पब्लिकली जो भी सीन होता है उसका ब्लॉग बनाकर अपलोड करते हैं, शॉर्ट ब्लॉग जो होता है, मिनी ब्लॉग। कोलकाता में जो लड़की के साथ हुआ है, शैडो करके दिखाओ लड़की को गाइस, जैसे कि मतलब शैडो रहेगा तो उससे पता चल जाएगा ना मेल है या फीमेल है, तो उस तरह से शैडो करके दिखाओ। ये नहीं थंबनेल ऐसा ऐसा बनाया जा रहा है, इतना ज्यादा जख्मी वाला, इतना ज्यादा गलत वाला, कुछ पूछने को नहीं, बस उनको व्यूज चाहिए, उसके लिए वो लोग कुछ भी कर रहे हैं। इतनी गंदी हरकत तो मत करो भाई। एक न्यूज रिपोर्टर है मोटो ब्लॉगिंग वाला, वो क्या कर रहा है, वो लड़की जहां मतलब
मतलब खत्म हुई है इस जगह पर, उसकी वजह से ही फोटोज मतलब वायरल हो गई थी। तो उन फोटोज को बगैर ब्लर करे हुए उसको अपलोड कर रहा है अपने वीडियोस में, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। बहुत सारे यूट्यूबर भी ऐसे हैं, बड़े बड़े मिलियंस में उनके चैनल्स हैं, और वो लोग क्या कर रहे हैं, उस लड़की को AI की मदद से बना रहे हैं और बहुत ज्यादा जख्मी बना रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा जख्मी दिखा रहे हैं, जो कि नहीं दिखाना चाहिए। एक लड़की के साथ ऐसा कुछ सीन हुआ है, तब वो मैं थंबनेल भी नहीं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ, इतना ज्यादा निगेटिव थंबनेल बना रहे हैं। यूट्यूबर को मैं क्या ही बोलूं, भाई तुम न्यूज कवर कर रहे हो जम्मू कश्मीर के इतने भी मोटो ब्लॉगर हैं उन लोगों की, लेकिन तुम कर क्या रहे हो। मैं न्यूज देखता था उसकी, लेकिन वो चीज देखा मुझे वो चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वो लड़की खत्म हो रखी, उसकी डेड बॉडी जो है उसकी फोटो यूज कर रहा है बंदा अपनी वीडियो में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जो भी कर रहा है बिल्कुल गलत है। और ये सब चीज से भी हटो भाई, लड़की की न्यूज कवर कर रहे हो तो करो, लेकिन इस तरह से मत करो ना निगेटिव, मतलब उसके जहाँ डेड बॉडी उस डेड बॉडी को पूरा तुम दिखा रहे हो, पूरा उसका टांग सब दिख रहा है, हद है। चेहरा ब्लर कर दो, उसका बॉडी पूरा ब्लर कर दो, नहीं वो नहीं करेंगे, क्योंकि भाई वही सब तो दिखा के व्यूज आएगा, हद है यार, लिमिट पार है। सभी लोग यहाँ चौराहे पर आ गए। हर किसी की एक ही डिमांड है, उस लड़की के साथ जो भी गलत करें जितने लोग हैं उन सबको सजा मिले। अब इस चीज को होने में कितना टाइम लग सकता है, 2012 वाला केस तो पता ही होगा कितना टाइम लग गया था सजा मिलने में पूरी। आई होप गाइस आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। चलता हूँ मैं, फिर मिलूंगा आप सबसे एक और नए वीडियो में गाइस, बाय बाय।